अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। 17 दिसंबर 2019 पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा दिन। आज खसूसी अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला सुना दिया। 3 जराइम जिनके ऊपर उनको ये सजा दी गई, उनमें आईन में गैरकानूनी तरमीम, इमरजेंसी का नाफिज करना, जजों को हिरासत में लेना शामिल है। आर्टिकल 6 के तहत परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान में इस फैसले की क्या अहमियत है, उस पर आज गुफ्तगू करेंगे। जी सेठी साहब, पहली बात तो ये कि आप समेत और सारे तज्जियाकारों का ये ख्याल गलत साबित हुआ कि परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस का कुछ नहीं बनेगा और ये मामला यूं ही लटकता रहेगा। ये बताएं, ये सारे के सारे तज्जियाकार और आप, क्यों ये ख्याल था आपका कि इसमें कुछ नहीं होगा? जी हाँ, बात तो आपने सही कही कि मेरा ख्याल है कम ही लोग थे जो कहते थे कि इस किस्म का फैसला अनाउंस किया जाएगा, मगर उसकी वजूहात हैं। मेरा ख्याल है ये ज़रूरी है कि उन वजूहात को एक्सप्लेन किया जाए कि हम सब यही क्यों समझते थे। और फिर इसके बाद फिर अगला सवाल जो आएगा कि ये जो फैसला है इसमें कोई शक नहीं है, तारीखी फैसला है, क्योंकि तो वो कोई नहीं हो सकती थी कि इस किस्म का फैसला करेंगे, और उसकी वजूहात अभी बताता हूँ। मगर क्या आगे जाके इसके कोई ऐसे नतीजा खेज किस्म की चीज़ें कोई निकलेंगी जिससे हम ये याद करेंगे कि ये फैसला जो है स्टिक किया है, वो और बात है, वो अब डिस्कस करते हैं। देखिए, थोड़ी सी टाइमलाइन देखना बड़ा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको एक्सप्लेन करेंगे हम कि क्यों हम ये समझते थे कि ये 10 साल हो गए इस केस को चलते हुए, या मुशर्रफ के खिलाफ की जो कार्रवाई हो रही है, इसके अंदर सिंध हाई कोर्ट इन्वॉल्व है, इसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट इन्वॉल्व है, इसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन्वॉल्व है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अंडर 2 चीफ जस्टिसेस 3 चीफ जस्टिसेस इन्वॉल्व है, और इसके अंदर अब स्पेशल कोर्ट इन्वॉल्व है। स्पेशल कोर्ट में भी 6 दफ़ा तब्दीलियाँ हुई हैं, और 2 दफ़ा प्रोसिक्यूशन ने हेड जो भी बना था उसने रिज़ाइन करके वो घर चले गए। इतनी कलाबाजियाँ हुई हैं और इतनी रुकावटें हुई हैं, और एक केस 10 साल से ये चल रहा है, और मुशर्रफ साहब 1 दफ़ा वापस आए, फिर चले गए, और फिर उसके बाद वापस ही नहीं आए। तो ये हमारी गलती नहीं है कि हमने सोचा यार 10 साल जो चीज़ तय नहीं हुई वो आगे जाके कैसे होगी। और दूसरी चीज़ ये कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, खसूसन फ़ौज की जो लीडरशिप है, वो तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ इस किस्म की कभी कार्रवाई होगी। वो तो मैंने जब हमेशा ये कहता हूँ कि 7-8 जर्नैलों के खिलाफ कोई करप्शन चार्जेस लगे थे, और जब वो ट्राई होने लगे तो उसके बाद फ़ौज ने से ये फैसला किया कि उनको री एम्प्लॉय कर लेते हैं ताकि आर्मी रूल्स के अंदर उनकी खुद ही ट्रायल हम कर लें। तो फ़ौज तो कभी भी ये नहीं चाहती कि सिविलियंस उनके किसी जर्नैल को, मैं समझता हूँ कर्नल को भी ट्राई करने नहीं देते वो, तो जर्नैल को कैसे ट्राई करने देंगे, और वो भी आर्मी चीफ। सारी तारीख में आर्मी चीफ ने इंटरवेंशन किए हैं, 10-10 साल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं था, तो आज क्यों कोई पूछने वाला हो? और सबसे अहम बात ये कि 2014 में जब मुशर्रफ साहब फाइनली पाकिस्तान से बाहर गए, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त ली उन्होंने और वो बाहर गए, तो उस वक्त रहील शरीफ आर्मी चीफ थे, और रहील शरीफ साहब ने एक बयान दिया था जो कि मुझे अभी भी याद है, अप्रैल 2014 में उन्होंने ये कहा था कि हमारा क्या रवैया होगा, हम वो देखेंगे कि हमारी इंस्टीट्यूशन की प्राइड और स्ट्रेंथ और इंटेग्रिटी को कोई इसके ऊपर असर नहीं होना चाहिए इस चीज़ का, हमारा ये रवैया होगा। तो उससे ये पता चला, हमने यही कंक्लूजन की कि ये तो नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर किसी आर्मी चीफ की ट्रायल इस तरीके से होती है और वो भी इस लेवल की होती है तो फौज तो ये कबूल नहीं करेगी। तो इसलिए ये भी रीजंस थे कि हमारा ख्याल था कि ये नहीं हो पाएगा। इसमें जनरल मुशर्रफ के वकील जो थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि केस को डिले किया जाए, और 10 साल डिले करवा लिया ना, तो कोई छोटी बात तो नहीं थी। उसमें जनरल साहब ने एक वक्त एक एप्लीकेशन ये भी डाली कि सिर्फ मुझे क्यों ट्रायल किया जा रहा है, शौकत अज़ीज़ को, जायद हामिद को जो कि उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, शौकत अज़ीज़ प्राइम मिनिस्टर थे, और डोगर साहब चीफ जस्टिस थे जबकि ये जस्टिसेस को पीसीओ लिया, कि इनको भी इंक्लूड किया जाए। और एक आखिरी एक ऐसी स्टेज भी आई तमकनत कि उन्होंने कहा कि जनरल कियानी को भी इंक्लूड किया जाए। लोगों को ये बात याद नहीं है, मगर उन्होंने कहा कि उनको भी उनसे भी मैंने मशवरा किया था इमरजेंसी लगाने से पहले। तो हर स्टेज पर उनकी ये कोशिश रही, और अभी भी रिसेंटली अभी एक नई एप्लीकेशन आ गई थी कि जी इन सबको फिर से इंक्लूड किया जाए इसी अदालत के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ एट एवरी स्टेज कोशिश की गई डिले करने की। तो
और ये डिले हो नहीं सकती थी जब तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या कोई प्रेशर या काउंटर प्रेशर ना आता कि डिलेज होनी चाहिए. आफ्टर ऑल इस्टेब्लिशमेंट बड़ी पावरफुल है. तो अब ये सारा कुछ तब्दील होने लगा, एक एटमॉस्फेयर जैसे कहते हैं ना, और हम जैसे लोगों के अंदर शक पैदा हो गया कि यार ये बात कहीं और ना चली जाए पहली दफ़ा. मगर फिर भी ये कहना मुश्किल था, ये भी कहना मुश्किल था कि ये सज़ा आएगी, ये भी कहना मुश्किल था कि जी कुछ भी नहीं होगा. अगर हम दोनों बातें कुछ कह देते तो तौहीन हो जानी थी अदालत की. भाई आप कैसे कह सकते हैं, अदालत में सुप्रीम कोर्ट भी बैठा हुआ है, स्पेशल कोर्ट भी बैठा हुआ है, तो आप कैसे कहते हैं जी कुछ नहीं होगा. तो इसलिए इसको थोड़ा सा क्वालिफाई किया जा रहा था. गालिबन खोसा साहब के आने के बाद, 6 माह उनके आने के बाद कुछ हालात बदलने शुरू हुए. एक ऐसी स्टेज आई कि खोसा साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये फैसला किया कि अब डे टू डे ट्रायल होगी और जल्दी फैसला किया जाए इसका. ये इसी साल को 6 माह हो गए, मेरा ख्याल है जून में ये इस किस्म का उन्होंने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और स्पेशल कोर्ट को हिदायत दी कि आप डे टू डे हियरिंग्स करें. अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी हुई. खोसा साहब ने क्या किया कि जैसे ही एक हेड ऑफ द स्पेशल कोर्ट रिटायर हुए, उन्होंने पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को नॉमिनेट कर दिया यहाँ. अब पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उनके बारे में 2-3 चीज़ें मशहूर थी. एक चीज़ ये कि उन्होंने जो फौज के इंटर्नमेंट सेंटर्स हैं KP में, जहाँ बहुत से दहशतगर्दों को उन्होंने पकड़ा हुआ है, उन्होंने कहा जी ये इलीगल है, ये बताया जाए कितने हैं, कौन से हैं. तो उन्होंने पहला जैसे कहते हैं ना कि फौज के जो लीडरशिप है या उनके डिसीजन मेकर्स हैं, उनके पाँव के ऊपर अपना पाँव रखा. तो ये बड़ी छोटी बात नहीं थी चीफ जस्टिस साहब, पिशावर हाई कोर्ट ने जो कहा. चीफ जस्टिस साहब ने एक और काम भी किया था, जो ट्रायल्स हुए टेररिस्ट के आर्मी ट्राइब्यूनल्स में, कोर्ट मार्शल्स हुए, सबसे पहले पिशावर हाई कोर्ट ने उनकी अपील्स लोगों की सुनी और ये कहा कि हम सुन सकते हैं. पहले तो ये था ना कि सुनी कोई नहीं सकता, उन्होंने कहा सुनी भी और सेट असाइड भी की और कहा कि हमें बताएं क्या एविडेंस क्या थी क्या नहीं था. तो ये दूसरी दफ़ा उन्होंने उंगली उठाई. तो ये मतलब एक दलेर आदमी, और इसलिए उनको खोसा साहब ने इस स्पेशल कोर्ट का हेड बना दिया. जब ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त फिर हम जैसे लोगों में कुछ शक पड़े कि यार ये कुछ होने जा रहा है, ये खोसा साहब क्या कर रहे हैं. एक तरफ तो उन्होंने ये कह दिया कि जी डे टू डे बात होगी और इसको जल्दी किया जाए, तो ऐसे लगता था कि वो घर जाने से पहले कुछ फैसला सुना के जाना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं. फिर ये जिस नए चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट के जब चीफ जस्टिस को लगा दिया, तो फिर हमने कहा यार ये तो अब कोई सख्त फैसला शायद सुनाई दें. मगर फिर भी ये था ये फौज के खिलाफ कैसे फैसला हो सकता है. और आजकल के हालात में जबकि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो फौज और वो एक ही सफ़े पे हैं, और इस हुकूमत ने, PDI हुकूमत ने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा पूरी कोशिश की इसको डिले किया जाए. एक पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में आई, एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई, एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में आई. ये सारी गवर्नमेंट के तरफ से ये इशारे हो रहे थे कि इसको रोका जाए, किसी तरीके से डिले की जाए. और फिर आखिरी स्टेज पे जब ये सारी चीज़ें काम नहीं हुई और अदालत ने कहा हम तो आगे जाएंगे, तो इन्होंने फिर एक लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ ऐसे एक तरफ एक फैसला आया कि जी डिले करें इसको और प्रोसिक्यूशन की सारी बात सुने, दूसरी तरफ ये फैसला आया कि जी कुछ और लोग हैं उनको भी शामिल किया जाए, वो भी एक पिटीशन चल रही है. एक और फैसला ऐसा आया कि स्पेशल कोर्ट आज़ाद नहीं है, ये हमारे मातहत है, तो हम जो कहेंगे वो होगा. फिर तो स्पेशल कोर्ट की तरफ से फिर जवाब आया, हम किसी के मातहत नहीं हैं, हम नहीं रोकेंगे. 4-5 दिन के लिए उन्होंने रोक दिया, मगर उनसे कहा उसके बाद फिर डे टू डे करेंगे. और हमने कहा 17 तारीख को फैसला फाइनल सुनाएंगे, क्योंकि पहले ये फैसला आना था 5 दिन पहले. उन्होंने कहा अच्छा चलो आगे कर देते हैं इसको, और नई एक प्रोसिक्यूशन टीम भी आ गई. तो ये सब चीज़ें जब हुई तो फिर ऐसे लगा कि अब कोई फैसला जो है वो कुछ मुख्तलिफ किस्म का आने वाला है. और मेरा ये ख्याल है कि जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इसके अंदर, उन्हें ये इस बात का एहसास हो गया था कि अब कोई चारा नहीं है. क्योंकि ये जो खोसा साहब की जो हदायत थी स्पेशल कोर्ट को, वो ये थी कि मुशर्रफ साहब अगर नहीं भी आते तो उनके एब्सेंशिया में उनकी ट्रायल कंप्लीट की जाए. क्योंकि आम तौर पे असूल ये होता है कि अगर कोई बंदा प्रेजेंट ना हो तो जजमेंट सुनाई नहीं जा सकती जब तक वो आए ना. तो अब मुशर्रफ साहब तो आने से रहे, तो खोसा साहब की ये हिदायत थी कि गो अहेड,
और आप अनाउंस करें डे टू डे। तो ये मैं समझता हूँ खोसा साहब ने इसको अपनी एक लेगेसी का हिस्सा बनाया है। जैसे कि जाते जाते खोसा साहब ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर भी इंटरवेंशन की है, तो इफ्तिखार चौधरी साहब का भी इसी किस्म का की सोच थी कि तारीख में मुझे याद किया जाए। इसी तरीके से साकिब निसार साहब की भी यही कोशिश थी। अब वो याद करती है तारीख या नहीं करती है और कोई हमाकते होगी वो और बात है, मगर खोसा साहब के ये जो दो फैसले हैं ये तो बिल्कुल तारीखी फैसले हैं, और ये स्पेशल कोर्ट का भी फैसला जो है ये भी तारीखी है। अब वो क्यों तारीखी है वो फिर आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो खोसा साहब का रोल जो है ना उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इस चीज़ में, एंड दैट इज़ वाई वी ऑल थॉट कि यार ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है, मगर हमने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल चुका था, और अभी हाल ही में जब इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद की थी और अदालतों के ऊपर तनकीद की थी, तो खोसा साहब ने खड़े होकर ठीक ठाक जवाब दिया था, याद है आपको? जी बिल्कुल याद। जी हमने नहीं नवाज शरीफ को जाने दिया, ये आप लोगों ने जाने दिया है, और हमारे ऊपर क्यों आप डाल रहे हैं ये सारा कुछ। तो ये मेरा ख्याल है दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू राइट हिज ओन नेम इन द हिस्ट्री ऑफ द जुडिशरी। अच्छा जी, इस फैसले के बाद आज GHQ में भी एक खसूसी इजलास बुलाया गया और सूरत हाल डिस्कस हुई, और उसके बाद हुकूमत की तरफ से जो उनके नुमाइंदे हैं कुछ, एक तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा कि हम तो इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे क्योंकि हम तफसीली फैसला देखेंगे, अपनी लीगल टीम के साथ बैठेंगे तो फिर उसके बारे में हम फैसला करेंगे। मगर फवाद चौधरी साहब जो वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने आज कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग उनका बयान है, वो कहते हैं कि इस तरह के फैसले कौम और इदारों को तकसीम करते हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और अब हमें इस पर गुफ्तगू करनी होगी और एक कोई नई डील, न्यू डील का उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि न्यू डील होनी चाहिए। तो मुझे आप ये बताएं कि इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और हकूमत, PTI की हकूमत, इन दोनों की क्या हिकमत अमली होगी, ये क्या करेंगे? देखिए बड़ा क्लियर है कि इस्टेब्लिशमेंट 10 साल से लगी हुई है, उनके आर्मी चीफ्स आए हैं गए हैं, मगर वो एक ही रवैया था कि हम नहीं होने देंगे, अपने आर्मी चीफ को बदनाम नहीं होने देंगे, ये ट्रायल नहीं होगी कंप्लीट। PTI की हुकूमत जब से आई है तो इनका भी यही रवैया था कि ये हम तो इंटरेस्टेड नहीं है कि इस किस्म की जजमेंट आए। दिलचस्प बात यह है कि हाई ट्रीजन केस में कोई प्राइवेट पार्टी नहीं होती पिटिशनर, गवर्नमेंट खुद पिटिशनर होती है। अब इसमें तो नून लीग की गवर्नमेंट पिटिशनर थी ना 2013 में, मियां साहब जैसे ही आए थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस केस को चलाएं खोलें, फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने ये एक स्पेशल कोर्ट बनाया था एंड सो ऑन। तो इसमें तो हुकूमत इज द प्रोसिक्यूटर जी। अब हुकूमत ये जो हुकूमत है ये प्रोसिक्यूट करना नहीं चाह रही, पिछली हुकूमत करना चाह रही थी मगर रुकावटें आ रही थी, कभी इधर से आती थी रुकावट कभी उधर से आती थी, ये हुकूमत करना नहीं चाह रही। अब इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत दी ये हुकूमत करना चाहे प्रोसिक्यूट नहीं, आप जाएं और एब्सेंशिया में करें जो कि आपके सामने, तो ये हो गया। अब इस्टेब्लिशमेंट अपील कर नहीं सकती, इट्स नॉट अ पिटिशनर जी। कोई प्राइवेट पार्टी कर नहीं सकती, किसी को खड़ा भी कर सकते हैं वो नहीं हो सकता इस केस में। गवर्नमेंट जो है वो क्या जाएगी कि जी वो तो प्रोसिक्यूशन है, तो प्रोसिक्यूशन तो गिल्टी प्ली मांग रही थी ना, वो तो मानते तो नहीं थे कि हम ये चाहते हैं, मगर उनकी तो प्रोसिक्यूशन तो यही होता है जी कन्विक्ट करें जी। अब और तीसरी बात ये, तो वो तो नहीं जाएंगे अपील में, और तीसरी बात ये है कि अगर इसकी जजमेंट की अपील करनी है तो मुशर्रफ साहब को यहाँ होना पड़ेगा। वो कानून ये कहता है कि अपील के लिए यू हैव टू बी देयर, मगर वो तो एब्सकॉन्डर है और वो अभी अस्पताल में बैठे लेटे हुए हैं, वहाँ पता नहीं क्या हालात हैं उनके, तो अपील कैसे होगी? और चौथी बात यह है कि अपील जब तक खोसा साहब हैं तो अपील कहाँ होगी, वो तो उसी वक्त फारग हो जाएगी। तो अब मेरा ख्याल है 2-3 चीज़ें होंगी, एक तो ये कि नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे और सोचा जाएगा किया क्या जाए। मुशर्रफ साहब के बगैर ये हो सकता है कि मुशर्रफ साहब के वकील कहेंगे वो बीमार हैं और हम उनके बिहाफ पे अपील करना चाह रहे हैं तो अपील कर देंगे, मगर वो अपील अगले चीफ जस्टिस साहब के आगे लगेगी। और ये भी हो सकता है कि अगले चीफ जस्टिस साहब इंतज़ार करें, अपील एक्सेप्ट तो हो जाएगी कि क्या उसके ऊपर जजमेंट आएगी या नहीं आएगी, हो सकता है उसको भी कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाए, वो प्रेशर आएगा और वो कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाए। और आखिरी स्टेज ये है कि अगर वो प्रेशर नहीं लेते अगले चीफ जस्टिस और इस अपील को रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि प्रेसिडेंट साहब तो रह गए ना, अभी कन्विक्शन तो हो गई, अब वो कन्विक्शन हो गई, मुशर्रफ साहब यहाँ हैं नहीं, फिर ये प्रेशर बनेगा कुछ सियासी जमातों की तरफ से
कि जी इनको वापस लाया जाए, इंटरपोल को कहा जाए, फलाने को कहा जाए, इनको लाया जाए यहाँ और सजाए मौत पे चढ़ाया जाए। कुछ लोग कहेंगे ये, हालांकि कम ही लोग होंगे, उसकी वजह ये है कि सब डरते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, कौन किसकी हिम्मत होगी ये बात कहेगी, इधर उधर से बातें चलेंगी ट्विटर के ऊपर। मगर प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है एमनेस्टी का और माफ़ करने का भी पावर है, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा अब फवाद चौधरी साहब ने जो बात कही है कि जी अब नई डील करनी पड़ेगी, अब ये जो इस वक्त बातें हो रही है ना आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की जी, और ये अभी एक और इशू आ गया कि किस तरीके से, तो ये ऐन मुमकिन है कि ये कोई ऐसे कानून बना दें जिसके साथ आर्मी की, इवन दी आर्मी चीफ जो है उसकी ट्रायल जो है वो सिविलियंस नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं ना, उसके ऊपर भी फिर लड़ाई झगड़े होंगे। ये मामला चलेगा, ये कहीं जाके रुकेगा नहीं, उसकी वजह ये जहाँ जाके रुकता है ना वहाँ बहुत से प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि एस्टैब्लिशमेंट अभी इस केस को ख़त्म होने देगी, मुशर्रफ साहब को किसी सूरत में पाकिस्तान नहीं लाया जाएगा, ये सजा जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, और फिर कोई ऐसे कानून बनाने जब बनाए जाएंगे अगर इनके पास वक्त हुआ और इकट्ठे हो गए और कुछ किया और अपोजिशन ने अपोज ना किया, जो कि एक अलग सवाल है, आजकल के हालात में अपोजिशन तो लेटी हुई है और वो एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं जाना चाहती, हालांकि एक दो आवाज़ें आई हैं अभी। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, इसके बावजूद ये है तारीखी फैसला। अब वो क्यों है तारीखी फैसला और PPP और नून लीग का क्या रवैया होगा वो देखते हैं जी। मेरा अगला सवाल यही अपोजिशन के बारे में है कि आज इस फैसले के फौरन बाद बिलावल भुट्टो ने कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और जिए भुट्टो, साथ उन्होंने कहा। और दूसरी तरफ मैंने एहसन इकबाल को सुना जिसमें उन्होंने भी यही बात की कि ये बहुत अच्छा फैसला है और इसमें इससे ये होगा कि मुस्तकबिल में कोई इस तरह आईन को पामाल नहीं कर सकेगा। तो अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त अपोजिशन के पास अब ये दो चीज़ें आ गई हैं, एक वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है और एक ये फैसला है, आपका क्या ख्याल है कि वो अपोजिशन इसको कोई आगे लेके जाएगी, क्या करेगी वो, इसको किस तरह अपने लिए इस्तेमाल करेगी? देखिए पीपल्स पार्टी के जमाने में मुशर्रफ साहब के ऊपर केसेस थे, मर्डर केस था ना जी, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ ना। आज लोग पूछ रहे थे पीपल्स पार्टी वालों को कि जी आपने के जमाने में तो आपने तो कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी हाँ बस हम मजबूर थे। तो नून लीग में भी आपने देखा एक मियाँ नवाज शरीफ साहब थे और उनके चंद साथी थे जो कह रहे थे कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना, ये मियाँ साहब ने सब कुछ किया है, बाकी पार्टी तो इसके हक में नहीं थी। वो कहते जी तुम पंगा क्यों ले रहे हो एस्टैब्लिशमेंट ना, मिट्टी पाओ जान दो। नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं मैंने केस करना है। अब कुछ लोगों का कहना था कि ये जाती उनका गुस्सा था, इंतकामी कार्रवाई थी, नहीं वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये एक दिन आएगा ये हमें करना पड़ेगा ताकि ये जो कॉन्स्टेंट इंटरवेंशन होती हैं इनको रोका जाए, उनका फलसफा। एक दिन मैंने उनसे बात की थी और यकीन करें मैंने भी उन्हें यही कहा था मीडिया सब क्यों पंगा लेने दो रहने दो। तो उन्होंने फिर जो आगे से मुझे जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने कहा देखें हमेशा फौज जो है ना, फौज की लीडरशिप वो सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट्स को दबाव में रखती है एस्टैब्लिशमेंट, और अपने काम करवाती है और बात मनवाती है हर चीज़ में, जो उनको पसंद आए वो करते हैं। और जब हम कुछ आगे बढ़ने लगते हैं इधर उधर नेशनल इंटरेस्ट में, हमारा भी ख्याल है कि नेशनल इंटरेस्ट ऐसे होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए, तो वो कालीन को खींच देते हैं, हम गिर जाते हैं, ये कुर्सी खींच लेते हैं। और वो कुर्सी खींचने का धमकी पीछे क्या होती है, बंदूक है ना, करो नहीं तो हम टेक ओवर कर लेंगे, यही होती है ना। अगर वो टेक ओवर कर ही नहीं सकते तो फिर वो धमकी की तो अहमियत कोई नहीं रहेगी जी। अगर पता है कि बंदूक के अंदर कारतूस ही नहीं है तो फिर कौन उसकी बात सुनेगा, डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है, अगर ओवरथ्रो तो नहीं हो सकता। मगर क्योंकि हर दफ़ा एक ऐसी स्टेज आई है कि ओवरथ्रो हो गया और मार्शल लॉ लग गया है तो वो खतरा तो रहता है। इसके बाद जो आर्मी चीफ मार्शल लॉ लगाना चाहेगा उसको एक बात का एहसास होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों मैं घर जाऊंगा, सिविलियंस वापस आएंगे और ये फिर मेरे ऊपर भी ऐसे केसेस होंगे जैसे मुशर्रफ के ऊपर हुआ। अब कौन सा जर्नैल ये सोच के कि मेरे साथ ये होगा ये ऐसा कदम उठाएगा, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिटेरेंस जिसे कहते हैं वो अब इस्टेब्लिश हो गया है। 10 साल मुशर्रफ साहब की ज़िंदगी हराम थी, उसके बाद जाके एक ऊपर से ये फिर एक ऐसा जजमेंट आ गई।
कहीं नहीं छुप सकेंगे, जो मार्शल लॉ लगाएंगे ना वो कहीं नहीं छुप सकेंगे, वो किसी न किसी दिन अदालत में आएंगे, और उनके साथ भी वही होगा अशर जो कि मुशर्रफ साहब के साथ हुआ। जिला वतनी, बीमारियाँ, बेइज्जती, हर किस्म की चीज़ उनको बर्दाश्त करनी पड़ी। तो इसलिए ये तारीखी फैसला कि इसके बाद जो भी सियासतदान है वो ये, उसको ये तो पता होगा कि हाँ चलाकियाँ करके लोगों को इधर उधर कर सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर ये कर सकते हैं, लोग भगा सकते हैं, मेरे ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी करा सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है, मगर क्या मार्शल लॉ लगा सकते हैं? नहीं। जो अब मार्शल लॉ लगाने की सोच भी रहा होगा या उसकी जेहन में होगा कि हम लगाएंगे, इसके बाद बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। बिकॉज दो बातें हुई ना, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जी वो जो बाकी लोग होंगे जिनके नाम लिए जा रहे हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, निकाल दें उनको। एक शख्स जिसने आर्मी चीफ जो ये करता है, उसके इर्द गिर्द जो उसकी हिदायत करते हैं या जो उसको सपोर्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं, नॉट रेलेवेंट। तो इसके बाद द बक विल स्टॉप ऑन वन पर्सन, इसलिए दिस इज अ हिस्टोरिक जजमेंट। अब इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती इससे सेपरेट इशू, आगे बात चलेगी, ये रुकेगी नहीं, और मुशर्रफ साहब कभी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकेंगे। मार्शल लॉ लगना बहुत मुश्किल हो गया, और उसके साथ एक इम्प्लाइड थ्रेट जो होती है कि जी मार्शल लॉ लग जाएगा, वो बहुत मुश्किल होगा कि कोई आर्मी चीफ मार्शल लॉ लगाए, क्योंकि एक दिन जैसे मैंने कहा ये सारा जो रील आपने देखी है ना, ये फिर दोहराई जाएगी, क्योंकि इस मुल्क के अंदर एक बात तो तय हो गई है ना कि सिविल सोसाइटी स्ट्रांग है, अदालतें फिर कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी कुछ इज्जत बनाएं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेशनैलिटीज़ एथनिक नेशनैलिटीज़ प्रोटेस्ट कर रही हैं, गरीब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनार्की भी बढ़ रही है। इस मुल्क को कंट्रोल करना बाय मार्शल लॉ हो नहीं सकता, इस मुल्क को कंट्रोल करना ओनली थ्रू डेमोक्रेटिक कंसेंसस एंड गिव एंड टेक। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ अ हिस्टोरिक डे फॉर पाकिस्तान। मगर सेठी साहब, आपने मेरी उस सवाल का मेरे जवाब नहीं दिया कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी अब ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगी। मियां साहब और मरियम तो चुप हैं, मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर कुछ कहेंगे। शहबाज शरीफ साहब, मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर कुछ ऐसी बात करेंगे कि जी तारीखी फैसला है, ये है वो है। नून लीग भी चुप रहेगी, छोटी मोटी लोग जो उनकी तरफ से तारीखी फैसला है, अच्छी बात है, ये आएगा। मगर सीनियर लीडरशिप, अब देखे ना, आज हम तवक्को कर रहे थे ख्वाजा आसिफ का कोई बयान आएगा, शायद आ भी जाए, मगर ब्रेक्सिट बड़ा वीक आएगा और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और पीपल्स पार्टी तो जितना भी बिलावल भुट्टो साहब ने कहना था कह दिया, इससे ज़्यादा कुछ वो और नहीं कह पाएंगे। सेठी साहब, अभी आपने बात की और इधर फौरन ही इस्टेब्लिशमेंट का रिएक्शन भी आ गया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गगू साहब का बयान आया है और वो कहते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ सदर पाकिस्तान भी रह चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान की 40 साल खिदमत की है और मुल्क के दिफा के लिए कई जंगें लड़ी हैं, इसलिए वो गद्दार हरगिज़ नहीं हो सकते, और इस केस में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और उनको दफा का हक भी नहीं दिया गया। तो आप क्या कहते हैं? जो मैंने कहना था वो कह दिया है, बिल्कुल, ये तो एक्सपेक्टेड था ना कि फ़ौज की तरफ से सख्त रवैया अख्तियार किया जाएगा, वो नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब बात यह है कि ये सारा अब काउंटर प्रेशर आएगा ना, वो कहते हैं ना अपील करेंगे, उनके वकील कह रहे हैं ये सारी बातें कि जी उनको डिफेंस का मौका नहीं दिया गया, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें जो कि लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बातें चली हैं। तो अब देखना है कि अगले चीफ जस्टिस साहब इसको कैसे इसके साथ डील करते हैं, क्योंकि अपील तो उनके आगे जाएगी और उनके ऊपर प्रेशर होगा कि इसको रिवर्स किया जाए, इसको काउंटर किया जाए, रिवर्स किया जाए और एक्विट किया जाए, कानूनी तौर पे क्विट कर दें, वो भी इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी कि नहीं जी कानून का तकाजा नहीं पूरा हुआ, इसलिए टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। सो उससे कम एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं होगा, और अफसोस इस बात का कि सियासी जमातें जो हैं इस वक्त इतने दबाव में हैं कि वो बिल्कुल ज़्यादा बात कर नहीं पाएंगी इस फैसले के हक में, और हुकूमत तो खैर वैसे ही इस फैसले के खिलाफ होगी। तो अब देखना यह है कि एक इदारा रह जाएगा या दो रह जाएंगे, एक मीडिया और एक जुडिशरी। मीडिया तो वैसे ही ऑलरेडी चुप है,
और बहुत सी पाबंदियां हैं उनके ऊपर, और मेरा नहीं ख्याल मीडिया की तरफ से कुछ ज़्यादा जद्दोजहद होगी इसके ऊपर। रह गया सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतें अकेले रह जाएंगे, और क्या इतनी उनमें हिम्मत है कि वो खड़े रहेंगे? और क्योंकि अगर ये अपील रिजेक्ट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर तो और कोई चारा नहीं है ना, दूसरी अपील तो हो नहीं सकती। तो ये अगले चीफ जस्टिस साहब के ऊपर प्रेशर होगा, और अगर वो अपने वक्त के जितना वक्त उनके पास होगा उस पर फैसला इस्टेब्लिशमेंट के हक में नहीं देते, तो फिर उसके अगले चीफ जस्टिस के ऊपर होगा, फिर उसके अगले चीफ जस्टिस के ऊपर होगा। इस्टेब्लिशमेंट नहीं रुकेगी, इसको वापस करके ही रहेगी। तो इसके बावजूद कि इस फैसले को वो रिवर्स करवा लेंगे किसी न किसी स्टेज पर, मगर इस फैसले ने जड़ पकड़ ली है, और लॉन्ग टर्म में इसके बड़े पॉजिटिव नतीजे निकलेंगे। तो फिर अब देखेंगे कि सेठी साहब की जो अब ये नई पेशन गोई और एक नया जो तज्जिया है वो किस हद तक दुरुस्त साबित होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।